हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सारे? आशा करता हूँ कि आप सारे घर पे ठीक ठाक होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी ब्लेसिंग्स है। दोस्तों आज संडे है, छुट्टी है सब कामों की, आज कहीं जाना नहीं है दोस्तों। लेकिन आज थोड़ा सा गड़बड़ है, मौसम थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों। आज धूप बिल्कुल नहीं है, सोचा था कि आज धूप होगी तो राइड अच्छी रहेगी, लेकिन कोई इतनी चिंता वाली बात भी नहीं है। बारिश भी नहीं हो रही है, बदल छाए हुए हैं आसमान पर, लेकिन हम राइड जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का सीन ये रहेगा, पहले तो आज ठंड काफ़ी, इसलिए मैंने टोपी कैप सुबह सुबह ही डाल ली है। मैं छत पे आके आप ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ कि मौसम का नज़ारा देखिए, ऊपर से बदल है। सो दोस्तों आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम कराएंगे आपको पहाड़ों की सैर दोस्तों। तो आज हम जाएंगे, एक सुरईसर झील है हमारे जम्मू की, काफ़ी अच्छी फेमस झील है, हम वो देखने जाएंगे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके अपने आप को अच्छे से पैक करके हम निकलते हैं राइड पे। तो दोस्तों बाकी सारी बातें हम करेंगे रास्ते में चलते चलते। सो दोस्तों फाइनली, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम निकल चुके हैं राइड पे। तो आज की राइड जो है सुरईसर लेक की है। सो आज के व्यूज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे व्यूज़ है, धूप भी निकल आई है थोड़ा थोड़ा, आज मौसम ने हमें साथ दे दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मौसम भी थोड़ा ख़राब था सुबह सुबह, लेकिन अब थोड़ा मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। आज काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ राइडर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग निकले होंगे यहाँ राइड करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। रास्ता देखिए आप, कर्व इतने टेढ़े हैं, इतने अच्छे हैं, कहने की बात ही, बस टू व्हीलर का मज़ा जो है वो पहाड़ी इलाके में आता है दोस्तों। अगर बुलेट है या कोई भी आपके बाइक है, तो अगर आपने राइड नहीं की, हिली एरिया की, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो जब भी आपको भी यहाँ आए, यहाँ पे बाइक्स आपको किराए पे मिल सकती हैं, आप उस पर राइड कर सकते हैं जैसे लेह में मिलती हैं। सो दोस्तों देखो, आज संडे है, अच्छी प्ले ग्राउंड बनाई है प्लेयर्स ने, क्योंकि संडे को एक हमारे यहाँ पर इंडिया में ये भी रहता है, क्रिकेट का बड़ा एक क्रेज़ है लोगों को कि संडे छुट्टी मिले तो पहले हम क्रिकेट खेलें दोस्तों। सो चलो चलते हैं हम आगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं बजालता में। यहाँ से पहले हम पंप पे जाते हैं, क्योंकि पहले हमें भी स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि पेट्रोल नहीं है हमारी स्कूटी में। आ जाओ भैया जी, पेट्रोल डाल दो थोड़ा सा इसमें भी। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं पहले स्कूटी में। सो फाइनली टैंकी हमारी फुल हो गई है स्कूटी की। जैसा मैंने सोचा था कि मौसम इतना ठंडा नहीं है, बिना ग्लव्स के भी स्कूटी चल रही है। पहले मैंने ग्लव्स डाले थे, लेकिन अब मैंने उतार दिए, मैंने देखा कि नहीं, उसके बिना भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं, पहाड़ी के थोड़ा ऊपर बना हुआ है, ये है शिकारगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रश रहता है संडे को, काफ़ी लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ आते हैं दोस्तों, और काफ़ी देर यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेम्स हैं, थोड़ी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, खाने को है, बैठने को है, धूप में बैठ सकते हैं, अंदर बैठ सकते हैं। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों तरह से आपको, आप दोनों टाइम पे आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं फैमिली के साथ, फुली संडे का आप इंजॉय कर सकते हैं। अंदर रूम्स भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से रेस्ट वेस्ट कीजिए, अपने रिलैक्स कीजिए पूरा। तो यहाँ से भी एंट्रीज की पड़ती है दोस्तों। चलो जी अब आगे चलते हैं दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, गाड़ी उतनी ही चलानी है जितनी आप कंट्रोल कर सको, क्योंकि यहाँ पे बड़े शार्प कर्व्स हैं, तो आपकी स्कूटी या बाइक जो है वो आराम से लेट जाएगी, आगे वाला गाड़ी तेज़ से आएगा तो आपकी ब्रेक नहीं लगेगी। इसलिए मैं पहले बता, रेस में और राइड में बड़ा फ़र्क होता है दोस्तों। तो ये कोई रेस ट्रैक नहीं है, हम राइड पर निकले हैं, तो अपने आपको पूरा सेफ करके चलना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे कुछ बाइक्स वाले खड़े हैं, जो कि आई थिंक कुछ मोटो व्लॉग करने आए होंगे, अपना व्लॉग करने आए होंगे, मोटो व्लॉग का कुछ, या फिर ऑफ रोड बाइकिंग बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। इनकी बाइकें नीचे गई हुई हैं, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास स्कूटी है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ रोड करेंगे बाइकिंग्स, थोड़ा सा पानी में लगाएंगे, थोड़ा सा रेत में जाएंगे, किसी की फंसेगी, किसी की बाहर निकालेंगे खींच खाँच के। सो ये भी एक अच्छा एडवेंचर रहता है। चलो इसका भी कुछ हम अच्छे से आपको दिखाएंगे, कभी कोई मौका मिला तो, जब भी हमारे दोस्त जाएंगे तो हम आप उनके साथ ले जाएंगे आपको नीचे तक। लेकिन आज ये लोग सारे नीचे अपना कर रहे हैं एंजॉय। चलो हम चलते हैं अपने अगले सुरईसर की तरफ। तो दोस्तों ये एक कच्चा रास्ता पहले जाता था, लेकिन अब यहाँ से इन्होंने पक्का रास्ता बना दिया है। अब जो व्यूज़ आपको दिखाई देंगे वो हम काफ़ी टॉप पर आ गए हैं, अब हम ऐसा ऐसा चढ़ाई चढ़ रहे हैं इन हिल्स की,
और मौसम भी थोड़ा काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये देखिए आप, आगे का देखते हैं क्या क्या है, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम। यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, अपना संडे अच्छे से एंजॉय करते हैं, कहीं घर से अपने गैस वैस सब लेके आते हैं, तो ये एक अच्छा संडे एंजॉय करने का स्पॉट बना हुआ है। सो फिर से एक बार हसीन वादियाँ, जम्मू में पहाड़ों की सैर, हमारे डोगरी में कहते हैं पहाड़ें दी सैर करनी, पहाड़ें दी सैर, बाइक तो बैठा के सैर करनी पहाड़ा दी। और मित्रों यही होते नज़ारे ने जिंदगी से ले लो, जिंदगी चार दिन दी है, पता नहीं की हो जाना है, घूम लो खा लो पी लो, कोई टेंशन नहीं लेनी इन्नी। सो फ्रेंड्स, ये एक पिकनिक स्पॉट है यहाँ का, तो यहाँ पे मैं आपको लाया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे साथ कितने अच्छा व्यू यहाँ का नज़र आता है आपको पीछे से। सो आप भी यहाँ आए, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम पास कर सकते हैं, यहाँ पे फैमिली के साथ बैठ सकते हैं आप लोग। तो मैं भी फैमिली से काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, राउंड बोर्ड 1 आवर की ड्राइव के बाद, क्यों हम बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आए हैं। वेलकम टू सुईसर लेक, द ग्लोरी ऑफ जम्मू दोस्तों। यहाँ देख के आपका दिल खुश हो गया होगा और आपका मन किया होगा कि हम भी यहाँ पे आते, लेकिन दोस्तों यहाँ आप जब चाहे आ सकते हैं। वो देखिए सामने पहाड़ों में बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी आपको, ठंड काफ़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब भी आए, अगर सर्दियों में आए तो कोई पैकिंग के साथ आए, गर्मियों की चिंता नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं सुईसर लेक में, आइए आपको पूरी सुईसर लेक का दर्शन कराते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, हमें पीछे देख सकते हैं पूरा व्यू, मैं आपको नज़र आ कराऊँगा। तो देख रहे दोस्तों कितना अच्छा है यहाँ का व्यू, यहाँ आप जब भी आएँ तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी झील जो है, इसे हम बोलते हैं सुईसर झील। सो ये मानसर झील और सुईसर झील जो है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। कहा जाता है कि जब पांडव जी 14 साल के वनवास पे थे, तो जब वो निकले तो रास्ते में उनको प्यास लगी या कुछ ऐसे हुआ, तो जब अर्जुन जी ने तीर चलाया तो वो तीर मानसर से चल के यहाँ के निकला था, इसलिए बोला जाता है कि ये झील दोनों आपस में कनेक्टेड है। और अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे या ऐसे, जैसे हमें पता है कि इसकी जो गहराई है कम से कम 125 फीट नीचे है दोस्तों। सो मानसर का भी हम आपको ट्रिप कराएंगे, लेकिन आज का जो हमारा ट्रिप था वो सिर्फ हमारा सुईसर झील का था। ये देखिए मेरे पीछे दोस्तों, काफ़ी अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ की रोड है सारी। वन मोर पॉइंट हेयर इन द सुईसर, ये है बना हुआ, जैसे हमारे जम्मू में है आई लव जम्मू, वैसे यहाँ बना हुआ है आई लव सुईसर दोस्तों। तो मैं चलो ये भी आपको दिखा लूँ, ये कैमरे थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा होगा, वो तो आपको पता ही है, ये तो रिफ्लेक्शन रहती है। सो यहाँ भी आप अपनी फ़ोटो सेशन को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पीछे देखिए दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी अच्छा है रहने के लिए, है पार्क बना हुआ है, छोटी सी हट है, हट टाइप लकड़ी का है। उसके बाद पीछे अपना गेस्ट हाउस टाइप है, अंदर बैठ सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक टिल देन बाय बाय। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबा दें, क्योंकि हम जल्द ही दूसरे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि अशोक ने दूसरी वीडियो डाल दी है। तब तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय, जय हिंद।